नंबर ऑफ एंटरप्रेनर्स ऑल ऑफ अस एसेंशियली हैव बिग प्लान्स फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर. अगले साल बड़ा काम करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन ऑल ऑफ अस क्वाइट अ फ्यू पीपल आई नो हू से कि अगले साल ग्रोथ तो इतनी चाहिए लेकिन सिक्योरिटी मेंटली सोच रहा हूँ, सिक्योरिटी मुझे लास्ट साल वाली चाहिए. मतलब ये है कि जो चल रहा है वैसे तो चलना चाहिए बिल्कुल मेरे पर्सनल प्रोफेशन में, मेरे पर्सनल इनकम लेवल में, लेकिन बिजनेस इनकम लेवल में, बट आई वॉन्ट द ग्रोथ हैपनिंग नेक्स्ट ईयर. हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज लाइक सेइंग दैट यू नो स्वर्ग तो जाना है लेकिन मरना नहीं है मुझे. यू कैन नॉट गो इन टू हैवन विदाउट यू डाइंग, राइट? द क्वेश्चन हियर इज वॉट काइंड ऑफ रिस्क आई विल यू टेक नाउ. रिस्क व्हाट आई मीन बाय सेइंग रिस्क, इट डजंट मीन वो बड़ी वाली रिस्क एज इन यू नो घर बेच दिया, यू नो गहने बेच दिया वाली रिस्क. आई एम जस्ट सेइंग कैलकुलेटेड समथिंग दैट्स रियली रियली राइट. But you got to take a risk in your next 12 months. You got to have that plan. What is that risk? So that you can get the growth that you got that you wouldn't have got otherwise without the risk. So it's extremely important that we go take the risk. So plan, think and say, what is that one risky thing that I will do this year? Thank you.